सभी मूल निवासियों को मेरा सादर से वजवार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित धुर्वे में। तो चलिए सगाजान, आज जान लेते हैं गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। इस आधुनिक युग में कपोल कल्पित बातें, काल्पनिक आस्था और तथ्यों का कोई स्थान नहीं है। इस युग के लोग शोध पर ज्ञान एवं अनुसंधान पर विश्वास रखते हैं। विश्व स्तर के वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक, भौगोलिक और पुरातात्विक स्रोतों पर किए गए गहन शोध ने यह सिद्ध कर दिया कि धरती की उम्र 35 करोड़ वर्ष है, अर्थात धरती की उत्पत्ति 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। इस धरती का स्वरूप प्रारंभ में वायु की गतिशील द्रवित तप्त अंगार का एक गोला था। यह तप्त अंगार का गोला ठंडा होकर मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, चट्टानों और मिश्रित भूभागों में विभक्त हो गया। यह मिश्रित भूभाग पृथ्वी के एक चौथाई हिस्सा बना और शेष 3/4 हिस्सा जलमग्न रहा। इसी भूभाग को वैज्ञानिकों द्वारा पेंजियस कहा गया। यह पेंजियस कालांतर में 2 वर्ष पूर्व सनय सनय 2 भागों में विखंडित हो गया, जिसे एक भूभाग को उत्तरी भूभाग को अंडोद्वीप अर्थात लॉरेशिया कहा गया और दूसरे दक्षिणी भाग को गंडोरिया अर्थात गोंडवाना लैंड कहा गया। कालांतर में यह गोंडवाना लैंड भूगर्भिक के बदलाव के कारण सनय सनय 5 भागों में विखंडित हो गया। गोंडवाना के इस पंच महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, कोयापुर और अंटार्कटिका बने। ऐतिहासिक और पुरातात्विक तथ्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रथम जीव जगत की उत्पत्ति इस सृष्टि में व्यास मिट्टी सत्व तत्व से मूल मानव वंश ही आज के गोंड आदिवासी मूल निवासी है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे गोंडवाना का नेक्स्ट जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। सादर सेवा जोहार दोस्तों।